उस मौके की रागनी के जिस समय श्री कृष्ण जी समझौते का प्रस्ताव लेकर के हस्तिनापुर में पहुंचे, जाकर के समझौते की बात दुर्योधन से की तो दुर्योधन ने समझौते को तो स्वीकार किया नहीं, उल्टा ये किया, अपने दरबारियों को ये आदेश दे दिया कि एक काम करो, इस कृष्ण जी को पकड़ करके कारावास के अंदर बंद कर दो। क्यों? क्योंकि ये पांडवों के हिमात में आया है। जब वो सैनिक पकड़ने के लिए चले तो श्री कृष्ण जी ने अपना वो विराट रूप वहां पर दिखाया, जिसको देखते के साथ में सारी सभा जो बिल्कुल ऐसी दृष्टिहीन हो जाती है, और श्री कृष्ण जी उस सभा से निकल लिए। लेकिन जब वहां से चलने लगे तो एक बात याद आई, चलते वक्त द्रौपदी ने एक प्रश्न किया था। द्रौपदी ने यह निवेदन किया था, कृष्ण जी आप जा तो रहे हो हस्तिनापुर, मैं 13 साल से वनवास में अपने पतियों के साथ रही हूं। एक बहू का फर्ज होता है कि वो अपनी सास की सेवा करे, लेकिन मैं अपनी सास की सेवा से वंचित रही हूं। आप जब जा रहे हो तो मेरी सास कुंती के चरणों में मेरा प्रणाम कहकर के जरूर आना, मेरी सास का हाल चाल पूछ करके आना, मेरा नमस्कार उनके चरणों में कह देना। वो बात कृष्ण जी को याद आ गई तो चल करके कहा विदुर भक्त के वहां पर पहुंचे हैं, जहां पर महारानी कुंती रहा करती थी। कुंती ने देखा कि कृष्ण आए हैं और समझौते का प्रस्ताव लेकर के आए हैं, तो दौड़ती हुई आती है और वहां पर पूछने लगती है कैसे बातचीत होती है और कैसे कृष्ण जी क्या बताते हैं, सुनेंगे। बुआ कुंती के चरणों में इस कृष्ण जी का प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम कन्हैया प्रणाम, खुश रहो, आबाद रहो, आज इतने दिनों बाद आप आए हो और मैंने सुना है कि आप समझौते के लिए दुर्योधन के पास में भी गए थे। हाँ। कोई बात बनी बुआ? हाँ कन्हैया, आप जानती हो कि दुर्योधन कितना बड़ा अभिमानी है। हाँ ये तो मैं जानती हूँ। उस दुर्योधन ने तेरे बेटों को कुछ भी देने से इनकार कर दिया है। ये तुम क्या कह रहे हो कन्हैया? उस दुर्योधन ने, उस अहंकारी दुर्योधन ने ये कह दिया है। क्या कह दिया है? कि सुई की नोक के बराबर भी जमीन में पांडवों को देने वाला नहीं हूँ। नहीं कन्हैया, और उसने पांडवों के लिए ही नहीं बल्कि मुझे भी, मेरे लिए भी आदेश कर दिया कि मुझे भी उसके सैनिक पकड़ करके कारावास के अंदर बंद कर दे। नहीं कन्हैया, उसने मेरा भी अपमान करने की कोशिश की है। अच्छा। हाँ। और मैं वहां से बड़ा उदास, बड़ा निराश होकर के लौटा हूँ, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर युद्ध हुआ तो बहुत बड़ा विनाश होगा। कन्हैया, हाँ। तुम 13 साल से जो मेरे बेटे अज्ञातवास काट रहे हैं, 1 साल का अज्ञातवास, 12 वर्ष का वनवास, हाँ। जिनके साथ में मेरी बहू भी है, हाँ। मैंने मेरे बेटों के दर्शन तक नहीं किए। अरे मैं उस सेवा से भी वंचित रही जो एक बहू अपनी सास की करती है। ये बता दे कन्हैया, आपकी बहू द्रौपदी ने आपके चरणों में अपना प्रणाम भेजा है। अच्छा कन्हैया। साथियों, श्री कृष्ण जी एक बात और भी समझ गए थे कि अब पांडवों को उनका राज बिना लड़ाई के मिलने वाला नहीं है, और पांडव तब तक लड़ाई नहीं करेंगे, तब तक युद्ध नहीं करेंगे जब तक महारानी कुंती यानी कि उनकी माता उनको आदेश नहीं दे देंगी। तो श्री कृष्ण जी ने भेद नीति चलाई है। बुआ जी, आप जानना चाहती हो कि आपके बेटे और बहू किस हाल में हैं? किस हाल में, मैं जानना चाहती हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपके बेटे क्या कर रहे हैं। बताइए मुझे मेरे बेटे कैसा है। तेरा बेटा बड़ा जुआ खेले, हाँ हाँ, और घोड़े नकुल सदावे से करे भीम रसोई, एक ढोर चुगावे, एक नाचे गावे से, रिहा एक नाचे गावे से। बेटा बड़ा जुआ खेले और घोड़े नकुल सदावे से, भीम रसोई एक ढोर चुगावे, एक नाचे गावे से, रिहा एक नाचे गावे से। ठीक करिए, गौरव वाला माइक सही करिए, इसमें ईगो डालो, वॉल्यूम डाउन करो इसकी। अरे हृदय में से राजताज का, ओ हृदय में से राजताज का, ख्याल तमाम का ढरा क्या, आंखों में से, अरे आंखों में से काम शर्म का, न्यू सरे आम का ढेरा क्या हो, न्यू सरे आम का ढेरा क्या, उन पांचों में पेट
पेट भरण अच्छा काम काट राजा। क्या कह दूं मैं क्या कह दूं तेरे बेटों ने तेरा जग में नाम काट राख्या। जग में नाम काट राख्या। लेन देन का फिकर करे ना, अरे लेन देन का फिकर करे ना, खावे और मस्तावे से करे भीम रसोई ढोर चुकावे। शर्मदार के शर्म और कान लगा रखी हो, शर्म और कान लगा रखी। कंघी डोरा रहे हाथ में यो पहचान लगा रखी। सुन कवल नैन के, अरे कवल नैन के, बहू तेरी बेटों ने नान लगा रखी हो। सकता है पांच पति वो एक नारी, है पांच पति वो एक नारी, बस मेहनत कर खावे से भीम रसोई एक ढोर चुगावे। कोई जुखाम नहीं, सब ठीक ठाक है पूत तेरे। हाँ ठीक ठाक है पूत तेरे। वो गर्मी सर्दी ना माने और पढ़ के हो रहे भूत तेरे। रही रंज फिकर में सूख द्रोपती है पांचों सण मजबूत तेरे। हाँ पांचों सण मजबूत तेरे। अब तू जाने मन शेर जड़े, अरे तू जाने मने शेर जड़े, मुझे शार नजर आवे से भीम रसोई एक ढोर चुगावे। एक नाचे गावे से हो, एक नाचे गावे से। हो मेहनत करके पेट भरो, अब राज ताज की ना आस करो। अपनी पोत बहू के लिए जगह दासी की तलाश करो, जगह दासी की तलाश करो। लटन सिंह राजबल के सदा हृदय में प्रकाश करो। घटके पर्दे, हाँ घटके पर्दे, खोलनी ज्वाला रसना ऊपर वास करो, रसना ऊपर वास करो। हाथ जोड़ स्तुति करे, हम हाथ जोड़ स्तुति करे, तने फूल पान से धावे से भीम रसोई ढोर चुगावे। एक नाचे गावे से री हो, एक नाचे गावे से। बेटा बड़ा जुआ खेले और घोड़े नकल सजावे से भीम रसोई ढोर चुगावे।